बाय बाय। टायर उड़ गया है दोस्तों, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। काफी दिनों के बाद काम क्या इतना दर्द दे रहा है, ये सब इतना दर्द दे रहा है क्योंकि दिन भर पूरा ऐसे 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 5 घंटा 6 घंटा प्रधान लगाया, इसलिए तो दर्द देने से भी क्या होगा, हम लोगों तो काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं बिना काम करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो अभी फिर से चलते हैं, आज हम लोग का खत्म होने वाला है धान और लगा के खत्म होने वाला है, तो आज फिर से चलते हैं। फाइनली रेडी हो चुका, अभी चलो चलते हैं। एक्सपेक्ट नहीं कर सकोगे दोस्तों, मैं जानता हूँ कितना दर्द दे रहा है, मेरा पूरा बदन पूरा दर्द दे रहा है, फिर भी जा रहा हूँ, लास्ट एंडिंग है, आज खत्म हो जाएगा, रुके। जंगल जंगल रास्ता और यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, 7 समुंदर पार करके पैदल जाना पड़ेगा जंगल जंगल रास्ते में। पहले पहले का टाइम पे यहाँ पे शेर वगैरह निकलता था, अभी नहीं निकलता है, अभी सिर्फ हिरन निकलता है। पोहू चारों तरफ जंगल 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 में आज मंगल करूंगी। ओहो, मेरा बदन पूरा गर्म है और थाना थाना पानी मैंने पैर पे रख दिया, बहुत ही ज़्यादा ऊपर से नीचे तक उबल रहा है दोस्तों, आग सक पूरा दर्द दे रहा है, पता नहीं क्यों। गवा कौन यारची आ दे, माय गॉड, खेत में मेरा फैन साइकिल मिल रहा है। पहुंच ही चुका हूँ, वो है हम लोग का झोपड़ी। अरे हियरची हियरची सी भाई हैं, अरे ग्रो ही क्या है ये सब्जी? अच्छा सब्जी लेने के लिए बिक्री करेगा क्या? बचपन में हम लोग भी ऐसे झूलना ले 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 के तारानी सेंग मोड़ा काट करके बाजार में बिक्री करता था, ये लोग बिक्री करेगा मुझे पता है मार्केट में जाके। अरे मानो कहाँ जा रहा है? हैं पहुंच गया हूँ, बदन बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ सीरियसली दर्द दे रहा है दोस्तों। तो अभी चलते हैं लगाने के लिए, सभी लोग वहाँ पे लगा रहे हैं और अभी आया हूँ थोड़ा बहुत बैठ लेता हूँ क्योंकि 2 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा है, और उसके बाद अभी लगाने के लिए जाऊँगा, लगाने का बाद आज कम्प्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आटे में जा रहा हूँ, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो बोलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस बोलो बोलो। तो यहाँ पे बाबा मछली पकड़ के लाया है, बहुत ही बड़ा 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 फ्रेश फ्रेश मछली यानी कि नदी का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग मतलब बहुत सारे रोनी आए हैं धान लगाने के लिए, तो इसीलिए सबको खाने के लिए यहाँ पे मछली अवेलेबल 2 पकड़ के लाया है और खाएंगे। उधर चलते हैं, बच्चा लोग नहा रहा है बोला है। आए कहाँ छुप गया चिपकेले की औलाद, निकल। ऐसा खुजली होगा ना बाद में देखो, नहा रहा है ना तुम लोग, हाँ इतना गंदा पानी में मानो छुपो 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 अभी अंदर नहीं छुप सकता, हम तो सरेंडर कर रहे हैं। और तुम भी नहाएगा? बचपन का याद आ गया है, बचपन में हम लोग जब 6-7 ईयर्स का था, हम लोग ऐसे ही नहा नहा के, अभी तो पूरा तैरने में तो नंबर 1 है, नदी हो या 7 समुद्र हो तैरने के लिए पूरा आता है, ऐसा ही मतलब छोटा छोटा मतलब बिल में नहा 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 के पूरा स्विमिंग सीख लिया मैं। और ये तुम नहीं नहाएगा है? नहीं नहाओगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नहाने से बहुत खुजली वगैरह होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस्ती का लड़का लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, हमेशा ये सब हवा पानी में ही पले बड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं होगा, ये लोगों को इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर टाउन का लड़का जहाँ पे रूम का अंदर में ही सिर्फ रहता है, आजकल का मॉडर्न जमाना हो गया, बच्चा लोगों को इतना इतना मोबाइल दे दिया पेरेंट्स, वो लोग अगर ऐसे में नहाएगा ना तो वो लोग का बॉडी पूरा खुजली के मारे खत्म हो जाएगा।
और यहाँ पे लगा रहा है ढा। समीज गाना गाता हूँ, पोका ढनर माझे माझे होरु होरु आली ओय होरु होरु आली। आज तो वेदर बहुत ही ज्यादा मजा कर दिया है और यहाँ पे बहन लोग लगा रहा है हेलो, शर्म कर रहा है एक्चुअली, मतलब जवान लड़की है ना। सिस्टर भी आ चुका है फाइनली, हेलो सिस्टर भी आ चुका है डायून से, और यहाँ पे भाभी लगा रहा है, सिस्टर भी आ चुका है, और वहाँ पे कोल्डो भाई और मैं, मेरा सेहरा एक ही सेम काला काला होता जा रहा है। बस्ती में ये पिक्चर का मजा अलग होता है ना। आओ इतना डर दे रहा दोस्तों, कल बहुत ऐसे कर करके आया। जय मामा लोकी। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मेरा बदन बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, वहाँ पे दीदी लोग लगा रहा है, ज़्यादा नहीं है लगाने के लिए और बस थोड़ा बहुत ही है, तो मैं यहाँ पे आ गया, मैं साफ सुफ हो रहा हूँ, उसके बाद अभी घर जाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करने का बाद। आया एक दिन लगाने से, सबसे पहला दिन लगाने से बहुत दर्द देता है बॉडी। आया मेरा बदन को मालिश कर दो, भूल जाओ, आगे जाओ, ये दर्द हम नहीं सह सकता, दर्द है बोला दिन कोई बोला गिरेगा, देखो गिरने से यहाँ पे ये लोग कंटेंट बना रहा है और कैमरामैन को देखो, कैमरामैन विश्वजीत। तो इस गंदे पानी में ये दोनों को ट्रेनिंग दे रहा है कैसे स्विम करना है। हम दोनों जाते हैं, चलो आए, तुम लोग जरा पानी में मत खेलो, बदन बहुत ज़रा दर्द दे रहा है इसलिए जाना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही भयानक से दर्द दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है, बोलो मत। काफ़ी दिनों के बाद एक दिन धान लगाने से बहुत दर्द देता है, आए बहुत दर्द दे रहा है दोस्तों। दौड़ मारने से ठीक होगा शायद मेरा बदन, भाई सर दौड़ मारते हैं ठीक हो जाएगा मेरा बदन, साइकिल आई थिंक नहीं सकता है दौड़ मारने। काफ़ी भयानक धूप है दोस्तों और मुझे बुखार हो गया है और मैं अभी इस धूप में कंबल लेके सो रहा हूँ दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़रा ठंड लग रहा है। अरे भाई मुनू पूरा बीमार हो गया, बुखार हो गया इतना दिन से खेती में काम करके, अरे कितना ज्यादा बीमार है क्या? माथा पकड़ के देखो तो, आया इतना गर्म है पूरा माथा, इतना गर्म हो गया, बहुत बीमार हो गया, लगते खिट्टी में धूप में ज्यादा काम करके उसकी वजह से बहुत बीमार लग गया। अभी बच चुका है 4, प्यारसी टेबलेट एक खा लिया, 2 घंटा सो दिया, सोने के बाद पूरा कंबल लेके पूरा सोया था, पूरा गर्म लग रहा है और बहुत ही ज़रा अभी रिलैक्स मिल रहा है दोस्तों, अभी बहुत ही ज़रा अच्छा लग रहा है। थैंक यू भगवान, बदन को हल्का करने के लिए थैंक यू, और माथा थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द दे रहा है, अभी उठ के फ्रेश हो लेता हूँ दोस्त। लोकल जॉन्डिस, दोस्तों ये गांव का लोकल जॉन्डिस झाड़ने वाला इंसान मेरा मदर इंडिया। जॉन्डिस झाड़ रहा है, जॉन्डिस जॉन्डिस
काफी ज्यादा बुखार है मेरा तन मन बदन पे, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा महादेव पे, बिकॉज यहाँ पे नेत्रों का संख्या बिल्कुल भी नहीं है। दो तीन दोस्त आए हुए हैं यहाँ में, देख सकते हो। हेलो। तो ये यहाँ पे 9-10 को हम लोग का यहाँ पे शूटिंग है, तो यहाँ पे शूटिंग का लोकेशन देखने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं कि मैं मतलब एक अच्छा वाला रोल पे, तो एक आप लोगों ने कभी भी मेरा एल्बम देखा नहीं है, पहली बार एल्बम करने वाला हूँ हम लोग का नितुल दा का गाना पे। ये एक्चुअली एक सिंगर है और ये कोरियोग्राफर है, तो हम लोग जाएंगे ये फरारी गाड़ी में। चलो बाय बाय। टायर उड़ गया है दोस्तों, हम लोग यहाँ में अभी माथा मार के बैठा हुआ है, टायर उड़ गया है। आज मेरा बुखार भी है और आज का टाइम पे क्या क्या हो रहा है। ओ काफ़ी रात हो चुका है और अभी तक हम लोग यहीं में ही हैं, और यहाँ पे भैया भी आ चुका है। अभी टायर चेंज करने वाला दुकान है ही नहीं। और यहाँ में किरण, हेलो किरण, हम लोग स्कूल का दोस्त है, यहाँ कुछ जुगाड़ कर रहा है। जाने के लिए मिलेगा, तकलीफ मत उठाओ। कल शूटिंग है मेरा भाई, जाने के लिए मिलेगा। अरे जान है ना जहान है, पहले बताओ, शूटिंग से मतलब नहीं है ना, जान बचो लाखों पाए। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अंदर से कांप रहा है, मेरा बदन पूरा हिल रहा है। 3 कंबल लेके बैठा हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, खाना बिल्कुल भी मुंह में देने के लिए देने के लिए, खाना मुंह में देने से भूमि हो सकता है। मुझे प्रे कर दो मेरे दोस्तों, मुझे प्रे कर दो। काफ़ी ज़्यादा अभी रिलैक्स मिल रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद एक दिन धान लगाया, पूरा धूप का तापमान मेरा बदन पे घुस चुका था, काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है। कल रात बिल्कुल भी सो नहीं पाया, रात का 2 बजे सोया है। और दोस्तों एक बार बता दूं कि गाड़ी पंक्चर हो गया होने का बाद मैं डायरेक्ट घर आ गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया। क्यों वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ज़रा ख़राब हो चुका था और मैंने बहुत कल मैं बहुत प्रॉब्लम फेस किया कल दोस्तों, मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। बाय द वे अभी ईश्वर का कृपा से, आप लोग का कृपा से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, मैं अभी फाइनली पहुंच चुका हूँ महादेवपुर पे, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यार देने के लिए। लव यू टू वन एंड ऑल। वीडियो लंबा नहीं हुआ है, सॉरी गाइस।